नमस्कार आज हम शुरू करेंगे एशिया का उच्चवच 2 में नदियों के मैदान पिछले अध्याय में हमने शुरू किया था मध्यवर्ती पर्वत क्रम किस तरीके से एशिया के बीचों बीच स्थित है और 1000 से लेकर 8848 मीटर की ऊंचाइयां इसके अंतर्गत पाई गई हैं नदियों के मैदान शुरू से ही सभ्यता के केंद्र बने हुए हैं और एशिया महाद्वीप इन चीज़ों में धा इन चीज़ों में धनी है कि उसके पास धरातल पर उसकी धरातल पर नदियों के अनेक छोटे बड़े मैदान मिलते हैं यह मैदान अत्यंत उपजाऊ मैदान है और इन मैदानों में एशिया महाद्वीप की सभ्यता का विकास भी हुआ है सिंधु घाटी एवं दजला फरात की सभ्यता एशिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जहाँ से इसका प्रचार प्रसार संसार के अनेक देशों में हुआ है यह एशिया के सांस्कृतिक विकास के केंद्र भी रहे हैं और आ, माना यह भी जा रहा है कि जनसंख्या का सर्वाधिक सकेंद्रण इन्हीं उपजाऊ मैदानों के मध्य में हुआ है तो आज हम मैदानी भागों के अध्ययन में आ, इसका अध्ययन पश्चिम से पूर्व की ओर करते हुए चलेंगे तो पश्चिमी भाग में दजला फरात का मैदान है इस मैदान का विस्तार इराक में है इसे हम मेसोपोटामिया का मैदान भी कहते हैं दजला फरात नदियाँ अरारात पर्वत से निकलकर इराक में होती हुई फारस की खाड़ी में गिरती हैं खाड़ी में गिरने से पूर्व यह आपस में मिलकर शतल अरब कहलाती हैं यहाँ एशिया की प्राचीन बेबीलोन सभ्यता का विकास भी हुआ था साथ ही साथ हम बात करेंगे सिंधु गंगा के मैदान की अभी मैं इनको आपको थोड़ा शॉर्ट में करवा रही हूँ जब नदियों के अपवाह तंत्र बन पढ़ाऊँगी उसमें इन सभी नदियों का सविस्तार हम अध्ययन करेंगे सिंधु गंगा का मैदान भारत तथा पाकिस्तान में है सिंधु और गंगा इन नदियों की अनेक सहायक नदियों ने उपजाऊ कांप मिट्टी का निर्माण किया है जिनसे उपजाऊ मैदान निर्मित हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता एशिया के इसी क्षेत्र से प्रसारित हुई है आर्य संस्कृति इसी मैदान में विकसित हुई थी यह संसार के माने हुए प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान है इस मैदान मैदानी भाग में द्रविण तो और आर्य सभ्यताओं का विकास हुआ है नेक्स्ट है हमारे इरावदी का मैदान हम और थोड़ा पूर्व की तरफ चल रहे हैं इसमें इस नदी का विस्तार म्यांमार में हुआ है और इरावदी का उपजाऊ मैदान कांप मिट्टी की सैकड़ों मीटर गहरी परतों से बना है यह मैदान मुख्यतः चावल की कृषि के लिए विश्वविख्यात है और इस मैदान में म्यांमार के धनी जनसंख्या वाले क्षेत्र भी मिलते हैं मीनाम का मैदान इस मैदान का विस्तार थाईलैंड में है इसका निर्माण थाईलैंड में प्रवाहित होने वाली मीनाम नदी द्वारा हुआ है यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई है और बड़ी हुई मात्रा में कांप मिट्टी का निक्षेपण करती है जैसे कि हमने हमारे मानचित्र में भी दिखाया है यह कांप उपजाऊ मिट्टी का मैदान जिसका विस्तार दक्षिण की ओर अधिक है और खासकर ये बागाती खेती के, के लिए बहुत अधिक फेमस है और मीनाम नदी का मैदान और डेल्टा ही विश्व प्रसिद्ध है नेक्स्ट है हमारा मीकांग का मैदान मीकांग नदी में हिंद-चीन प्रायद्वीप पर उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है इस मैदान का विस्तार थाईलैंड कम्बोडिया वियतनाम एवं लाओस में है इस मैदान में काप मिट्टी की अनेक परतें बिछी हुई है। हैं और सबसे बड़ी खासियत इस मैदान की यह है कि यह चावल और चाय की कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ मृदा का निर्माण करते हैं अब हम और चाइना की तरफ जाते हैं चीन में तीन मुख्य नदियां हैं सिक्यांग सिक्यांग और हांगो। ये तीनों ही नदियां लंबी और बड़ी नदियों में मानी जाती हैं और इनके द्वारा चीन के बहुत अधिक भूभाग पर उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है अब हम बात करते हैं सिकांग की यह दक्षिणी चीन में विस्तृत है इसका निर्माण सिक्यांग नदी द्वारा किया गया है यह नदी प्रशांत महासागर में गिरती है तथा महासागर में गिरने से पूर्व उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है मैदान का विस्तार अधिक नहीं है पर एक तंग तथा संकरा मैदान है जिसमें चावल तथा चाय की कृषि के लिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है यांगती सिक्यांगे मध्य चीन में बहती है इसका निर्माण यांगती सिक्यांग तथा तो उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ था मैदान का निर्माण यह उपजाऊ काँप मिट्टी का बना है और इसको हम चाइना का रेड बे, रेड बेसिन भी कहते हैं और रेड बेसिन की खासियत यह है कि गेहूँ और चावल की कृषि के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है और ये चीन के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों का क्षेत्रों के अंतर्गत आता है लास्ट में हम बात करेंगे हांगवो के मैदान की हांगवो इसका निर्माण हांगो नदी के द्वारा हुआ है और जब ख़ासकर इसको हम पीली नदी भी बोलते हैं क्योंकि यह नदी लोएस के पठारों से बहकर लाई गई मिट्टी के द्वारा मैदानों का निर्माण करती है इसलिए इसे उत्तरी चीन का विशाल पीला मैदान भी कहते हैं यह चीन के उत्तरी भाग में है इस मैदान में नदी तथा तल अन्य भाग से ऊंचे होने के कारण वर्ष यह अपना मार्ग बदल देती है और इससे इसमें भयंकर बाढ़ें आती है और इस वजह से इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है पर चीन के शोक के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नदी गेहूं की सॉरी यह मैदान गेहूं की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है ये तो थे हमारे नदियों के मैदानी भाग अब हम इसी मानचित्र के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जैसे कि मैंने तालिका में भी बताया है कि एशिया में तीन पठारी भाग हैं जिनमें अरब का प्रायद्वीपीय पठार प्रमुख है आ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरब का प्रायद्वीपीय पठार यह पठार एशिया के पश्चिमी भाग अरब प्रायद्वीप में स्थित है इस पठार इस पठार में फारस की खाड़ी अरब सागर लाल सागर तथा भूमध्य सागर से घिरा हुआ आ, पाया गया है अत्यंत प्राचीन एवं कठोर चट्टानों से निर्मित यह पठार प्राचीन स्थल गोंडवाना का अंश माना गया है इस पठार के दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड का ही एक भाग है इसमें प्राचीन काल की रवेदार चट्टाने मिलती हैं जिनमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता अधिक है इस पठार की सामान्य ऊंचाई 2000 मीटर है यह शुष्क मरुस्थलीय भाग है शुष्कता का कारण यह रेगिस्तान रेतीला भी हो गया है अब बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लेना चाहूँगी क्योंकि इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे यह पठार भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है अरब के प्रायद्वीपीय पठार की भांति यह भी प्राचीन चट्टानों से निर्मित गोंडवाना भूमि का अंश है जो कठोर रविदार चट्टानों से बना है इसके उत्तर पूर्वी भाग में ज्वालामुखी चट्टानों का जमाव भी है इसका ढाल पूर्व की ओर है पश्चिम की ओर इसका किनारा सीधा खड़ा हुआ है और इस पठार पर नदियों ने बहुत अधिक इरोजन का काम किया है इसका ऊपरी धरातलीय भाग अधिक उबड़ खाबड़ है इस पठार की सामान्य ऊंचाई 1400 मीटर है नेक्स्ट है हिंद चीन का पठार दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार है जिसका अधिकांश भाग कम्बोडिया लाओस एवं वियतनाम में स्थित है यह कठोर चट्टानों से निर्मित है इसका इसमें शान क्यूचाऊ तथा यूनान के पठारी भाग भी सम्मिलित है इस पठार की सामान्य ऊंचाई 1200 मीटर है इस पठार पर नदियों द्वारा इरोशन का कार्य बहुत कम हुआ है इसलिए ये कटा फटा पठार है नेक्स्ट है उत्तर की निचली भूमि उत्तर की निचली भूमि में दोस्तों आ, त, जो भाग आते हैं उनमें आता है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान मध्य साइबेरिया का मैदान और तुर्की निस्तान का